हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये इस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का जो है 6th पार्ट है। तो बाकी के पार्ट्स भी आप देख लीजिए, लिंक आपको ऊपर आई बटन पे ही मिल जाएगी और साथ ही आपको प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग को, जो कि डिफरेंट एनर्जीज़ के हैं, वो क्या करते हैं, मिक्स होकर नए आइडेंटिकल एनर्जीज़ के और आइडेंटिकल शेप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं, वही क्या कहलाता है आपका, हाइब्रिडाइजेशन। द न्यू ऑर्बिटल्स दस फॉर्म आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उन नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स। जितने एटॉमिक नंबर मिक्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो पहला है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग एस एंड पी ऑर्बिटल्स, जिसमें आपके एस और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका sp3 hybridization। इसमें क्या है आपका, इसमें है व्हेन 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टू फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3। इसमें आपका 1s और 3p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, तो ये आपका क्या फॉर्म होता है, sp3 hybridization। Therefore, sp3 hybrid orbitals have tetrahedral geometry. उसकी इसलिए आपकी tetrahedral geometry होती है और इसके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका, 109.5 degree। ये आपका शेप भी दिखा रखा है, इस टाइप का इसका कुछ शेप होता है। एग्जाम्पल है जैसे CH4 का, तो यहाँ पे आप देखिए फिल होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2s और 2p, जो इसके लास्ट सब शेल है, ठीक है। तो इसमें आपका जब ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर ये आपका क्या फॉर्म करेंगे, sp3, जिसमें आपका एक s का ऑर्बिटल है और 3p के ऑर्बिटल है। उसमें हमने ये चार एक एक सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शो है। अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपका 1s और 2p के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। फिर इट हैज़ प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री विथ 120 degree एंगल। इसकी जो है प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है। एग्जांपल है BF3 का, तो आप पी की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1s और 2p ऑर्बिटल्स को मिक्स करने पे आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो जाएगी। थर्ड है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, When 1s and 1p orbital are mixed to form 2 hybrid orbitals which are linearly angled, the hybridization is called sp hybridization. तो इसमें 1s और p, एक p orbital जो है मिक्स होते हैं, sp hybridization फॉर्म करते हैं। इनकी जो शेप होती है लीनियर होती है विद 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल है इसका BeCl2। जब आप Be का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे 1s और 1p से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड है आपका हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp d ऑर्बिटल्स। इसमें क्या आपका sp और d के ऑर्बिटल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका चार्ट है जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 की, इसमें क्या होगा, 1s और 1d और 2 जो है p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। इसकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल है आपका गिवन है एग्जांपल। सेकंड है sp3d। sp3d में क्या होगा, 1s 1d और 3p के जो ऑर्बिटल्स वो मिक्स होंगे। इसकी जो शेप होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। नेक्स्ट है आपका sp3d2। इसमें s 1 p के 3 और d के जो है 2 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। शेप होती है इसकी स्क्वायर पिरामिडल। उसके बाद आते हैं sp3d2, इसे आप d2 sp3 भी लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, 1s 3p और 2d के ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स होते हैं।
इसकी शेप जो होती है ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद आता है sp3d3, इसमें क्या होता है एक s, तीन p और तीन d के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं। इसकी जो शेप होती है आपकी पेंटागनल बाय पिरामिडल होती है। क्वेश्चन है, राइट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल है pcl का। pcl का आप जब p का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 और देन 3p3। तो यहाँ देखेंगे 3s में आपका दो इलेक्ट्रॉन फिल है, 3p में तीन और 3d आपका पूरा एम्प्टी है। तो जब ये फॉर्म होंगे हाइब्रिड sp3d, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आप सिंगली फिल करेंगे, इसकी शेप होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक नेक्स्ट एग्जांपल है sf6 का। sf6 में जब s की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो s में आपके दो जो 3s है उसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन फिल है और जो 3p4 है उसमें चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन d जो है पूरा खाली है। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज ये फॉर्म करेगा। इसको आप शॉर्टकट जो है इसका वो आप वेस्पर थ्योरी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, टोटल पेयर निकालने हैं। टोटल पेयर मैंने सिखा रखा है, अगर आपको नहीं आता तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। तो एस आपको क्या करना है, एस का जो है पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है जो कि कितना होता है 6, प्लस सराउंडिंग एटम एफ के कितने 6 प्लस 6/2 कितना हो जाएगा 6। तो 6 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है sp3d2। नेक्स्ट है आपका clf3। तो इसमें भी आप वेस्पर थ्योरी से निकाल सकते हैं। टोटल पेयर आपको फाइंड करना है, टोटल पेयर कितना निकलेगा 5। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या होगी sp3d। नेक्स्ट है आपका BrF5। इसकी भी आपको क्या करना है, Br का पहले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, देन फिर सराउंडिंग एटम अपॉन 2, जो आंसर आएगा sp3d2। XeF6 है, सिमिलर है, XeF2 है, देन ये आपका आयनिक फॉर्म वाला है, ये भी सेम है, इजी है, कर सकते हैं आप। फिर नोट है कि आपका जो सिंगल बॉन्ड है ये कार्बन का ही दिखा रखा है, इसमें क्या होते हैं आपके चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जब ये डबल बॉन्डेड होता है तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है ऊपर वाले की sp3, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp। तो आपको सिग्मा कितने बॉन्ड है उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ एग्जांपल दे रखा है, जैसे यहाँ CH2 डबल बॉन्डेड CH2, तो जो पहला CH2 है उसमें C का जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी sp2। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट वाले का भी सिमिलर है, तो इसमें भी sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, तो इसमें देखिए इसमें भी जो पहला सी है उसकी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जो नेक्स्ट सी है उसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका शेप भी यहाँ पे शो है। तो होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैंने जैसा कि हर वीडियो में बताया कि आपको इस चैप्टर की जो PDF लिंक है वो मैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप तब तक हमारे साथ बने रहे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल पे आपको बोर्ड से रिलेटेड अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।